हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहित रांटा और आज एग्जाम हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का, जिसकी मैं आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे वो 170 क्वेश्चन थे। इनमें से मैं 150 या 55 के करीब जो क्वेश्चन है वो मैं उनकी मैं उनके आंसर जो है वो मैं ढूंढ पाया हूँ, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस है या कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, उनके जो आंसर है वो मैं ऑफिशियल की जब आएगी तो मैं आपको उसके जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और जो हमने करेक्शन करनी होगी वो करेक्शन भी मैं उसमें कर दूंगा। मेरे पास सीरीज बी का क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थली वनस्पति जो है का प्राधान्य है? निम्न में से किस राज्य में मरुस्थली वनस्पति का प्राधान्य है, मतलब जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का जो उपभोग है वो अधिकतम है? इसका राइट आंसर सी है, गोवा। नेक्स्ट सवाल आता है, जो तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो ये कहाँ पर है? तवा सिंचाई परियोजना है ये है, इसका आंसर आता है आंसर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीची? तो लीची में जो सबसे आगे प्रदेश है वो है बिहार, बिहार लीची में सबसे आगे है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन केबल जो है ये निर्मित कहां होती है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इसका आंसर शायद कानपुर भी हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो आप इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। जैसे ही आएगी ऑफिशियल आंसर की मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? तो इसका सही जवाब है कोयली, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक जो शहरीकृत राज्य है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज स्टेट है इनमें, इनलैंड स्टेट में, वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका सही जवाब है डी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट नवा सवाल है, निम्न में से क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों में नहीं है? तो इसका सही जवाब ए है, मध्य निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्योर। नेक्स्ट आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? इसका सही जवाब है सी, संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल जो है वो इसका चुनाव करता है, तो ये इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका सही जवाब है 11 का सही जवाब है सी, मूल विशेष अधिकार जो है, मूल क्षेत्राधिकार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो 12 का राइट आंसर है आंसर सी, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय जो है किसमें शामिल किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन सी लिस्ट में इसे रखा गया है? तो इसे रखा गया है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में रखा गया है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है, फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है इसका गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया, कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आता है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट आता है, भारत के द्वितीय विधि अधिकारी जो सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी है, भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के समुदाय के जो कितने सदस्य हैं जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो इनका आंसर है बी, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा का सभापति इससे
पदनामित होता है, जो लोकसभा का सभापति होता है उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, बी इसका राइट आंसर है, जो कि है स्पीकर। नेक्स्ट आता है भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। तो 21 का राइट आंसर है ए, जो है साधारण बहुमत द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 22वां सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है? जो अंडमान निकोबार है ये कौन से हाई कोर्ट के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर है बी, ये कोलकाता के अधीन आता है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट आता है, भारत में रोलिंग प्लान जो है ये किस वर्ष प्रचलन में आया था? तो जो सवाल 24 है, 24वें सवाल का राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। वैसे तो इसका आंसर 1978 से 80 है, तो 1978 टू 1979 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी? तो 25 का राइट आंसर आता है ए, झारखंड, झारखंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है? तो ये है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन, इसका सही जवाब है ग्रामीण आधारभूत संरचना। नेक्स्ट आता है, भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आंकलित किया जाता है? 27, 27 का राइट आंसर है एक, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट आता है, हरित क्रांति निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? तो ये थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम हैवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण प्लांट स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था दुर्गापुर में। नेक्स्ट आता है, यूरोपियन संघ ने निम्न में से किस मुद्रा के रूप को अपनाया है? तो यूरो को अपनाया है यूरोपियन संघ ने, तो इसमें से इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है, भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट सवाल आता है, निम्न में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो 32 जो है इसका राइट आंसर है इंटरेस्ट पेमेंट, डी इसका राइट आंसर है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल है, विच इज नोन एज द थर्ड पिलर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, किसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? विश्व बैंक, IMF, और उसके बाद माना जाता है तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को इसके बाद माना जाता है। नेक्स्ट बात आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, 34 का राइट आंसर है एन इम्पोर्टर, जो आयतक होता है उसके द्वारा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड? तो इसका राइट आंसर, वैसे तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, इसका आंसर शायद ए हो, सी इसका राइट आंसर शायद हो सकता है। नेक्स्ट आता है, मार्केट इनपरफेक्शन देश में अपूर्ण बाजार किससे प्रतिबंधित होता है? तो ये एक्चुअली इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है 37, 37 की बात करें तो 37 है केंद्र सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब है सी, जो कि है मुद्रा घाटा। नेक्स्ट सवाल आता है, निम्न में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? तो इसका सही जवाब सी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट सवाल आता है, खाद्यान्नों में न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
तो 40 जो है इसका राइट आंसर है, 1964 सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आईएमएफ से निधि उधार लेने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही जवाब डी है, फ्रांस इसका सही जवाब है। आईआरडीए संबंधित है, तो आईआरडीए संबंधित है, इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ दीज, 42 का सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है द व्हील ऑफ द बाइसिकल है, जो साइकिल का पहिया है उसमें क्या होती है? तो उसमें होती है रोटेटरी मोशन, जो घूर्णन गति है ये इसमें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है, यदि एक पत्थर को पृथ्वी की सतह के समानांतर फेंका जाए तो इसका प्रक्षेप जो पथ है वो क्या होगा? तो ये होगा बी, कर्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है उत्तल लेंस को इससे भी जाना जाता है, तो उत्तल लेंस जो है इसे कन्वर्जेंस लेंस, जो कि अभिसारी लेंस होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। एक्स किरणों जो एक्स रेज है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन, तो ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है, तो 47 जो है इसका राइट आंसर सी है, जो कि है परिष्कृत कैरोसिन। तो नेक्स्ट आता है सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है? ये है विकिरणकारी ऊर्जा, ये इसका राइट आंसर है। जो फोटोग्राफी फिल्म है इस पर कौन सी परत होती है? तो 49 जो है इसका राइट आंसर है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है या सिल्वर नाइट्रेट, तो ए और डी में इन दोनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन आतिशबाजी में हरा रंग देता है? तो इसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है बेरियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बी इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है रेयान निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सेल्यूलोज। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास के द्वारा कात्यांतरण नहीं दर्शाता? तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा जब आंसर की आएगी। एपिकल्चर संबंधित है मधुमक्खी से। नेक्स्ट सवाल आता है सांपों में जो विष ग्रंथि है वो कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि सिर पर होती है। निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो 56 जो है इसका सही जवाब है एंड्रेनालिन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है हरित गृह प्रवाह, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 से नवाजा गया या इन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है ए, अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल है जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है जो हाल ही में चर्चा में था, ये कौन से जिले में है? तो ये है उड़ीसा में, बी इसका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने मानव दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए स्वयं सिद्ध शुरू किया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला पहला देश बना है? तो इंडिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है इसरो ने हाल ही ने अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो 62 का राइट आंसर है ए, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी निम्न में से कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो इसका सही जवाब है अन्ना राजम मल्होत्रा, इसका राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो 64 जो है इसका राइट आंसर है शेखर बसु, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत का प्रथम स्मार्ट फेंस जो ये पायलट प्रोजेक्ट है ये किस बॉर्डर सरहद पर शुरू किया गया है? तो ये पाकिस्तान के साथ शुरू किया गया है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 66 जो सवाल है, किस भारतीय व्यक्ति को हाल ही में यूएस भारतीय स्ट्रैटेजिक भागीदारी मंच के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है एस जयशंकर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 67 है, किस देश ने हाल ही में विश्व की प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन का प्रारंभ किया है? तो 67 का राइट आंसर है जर्मनी। इसके बाद आता है फर्स्ट इंटरनेशनल मैक्रोन म्यूजियम आयोजित म्यूजिकल, फर्स्ट इंटरनेशनल मैक्रोम
फर्स्ट इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल जो म्यूजिकल आयोजित हुआ था, तो ये कहां पर हुआ था? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज इज द नेम ऑफ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, नेपाल और चाइना के बीच ये एक्सरसाइज होती है। सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो 70 जो है इसका राइट आंसर है पोर्ट लुइस, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 18वें जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाया? तो इसका राइट आंसर है बजरंग पुनिया। नेक्स्ट आता है इसके बाद, हाल ही में परीक्षित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेलिना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है? तो 72 का राइट आंसर है नाग, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है 2081 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड किताब किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है डी वीवीएस लक्ष्मण की। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट है जो फवाद मिर्जा है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है घुड़सवारी, डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, अटल जी ने कहा पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ब्रिजेंद्र राही, ब्रिजेंद्र राही इसका सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके बाद कुछ जो ये इसके बाद जो सवाल है ये एप्टीट्यूड के कुछ सवाल है, तो इनका मैं राइट आंसर बता देता हूं। जो 76 है इसका राइट आंसर डी है। इसके बाद जो सवाल है इसका सही जवाब ए है, 52 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की बात करूं तो नेक्स्ट सवाल का जो आंसर है वो डी किशन इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो सवाल है इसका सही जवाब है 79 का जो राइट आंसर है वो है डी पत्नी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो अगला सवाल आता है इसका सही जवाब है 1 सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर 81 की बात करूं तो 81 का सही जवाब जो है वो पश्चिम ए है। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आता है 82 जो सवाल है इसका राइट आंसर 21 ईयर है, किस साल इसका सही जवाब है। इसके बाद आता है कसौली के निकट सनावर में जो लॉरेंस आश्रम है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1847 में। इसके बाद बात करें तो बाबा बनारसी दास जो है किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? तो 84 का जो राइट आंसर है ये है सिरमौर। नेक्स्ट आता है इसके बाद महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है मंडी ए। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है? ये एकमात्र है हिमाचल प्रदेश में जो कि जुणगा में है। इसके बाद अगर बात करूं सवाल 87 की तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला है। प्राचीन समय में अधिकांश जो पहाड़ी लोग है वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसमें बी और सी जो है ये आंसर नहीं है, संस्कृत और पहाड़ी नहीं बोली जाती थी। भागी और जो कोलारियन है इनमें से कंफ्यूजन है, शायद हो सकता है कोलारियन बोली जाती हो, लेकिन जब आंसर की आएगी तो मैं इसका जवाब भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन से सेना अधिकारी ने सेना स्टाफ का प्रमुख बना था? तो ये वीएन शर्मा है, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल जो है वो आयोजित किए गए थे? 89 का राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला जो स्पीकर थी वो बी इसका राइट आंसर है, विद्या स्टोक्स, ये इसकी स्पीकर थी। इसके बाद अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है, पुल नहीं है? तो ये सारे सतलुज पर है, इसका राइट आंसर आता है डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो नेक्स्ट सवाल है, 1926 में नाहन में जो महिमा लाइब्रेरी है वो किसने बनाई थी? ये अमर प्रकाश ने बनाई थी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है जो मुकलसर तारीफ ए रियासत चंबा है ये पुस्तक किसने लिखी? जो 93 जो है इसका सही जवाब है सी गरीब खान, ये लिखी थी गरीब खान ने। नेक्स्ट सवाल आता है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो जो 94 है इसका सही जवाब है हिरदाराम। नेक्स्ट सवाल आता है इसके बाद, डोखरे का धान, जो ये डोखरे का धान है ये हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस घाटी में प्रसिद्ध फसल है? तो ये इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ये सुरंग कहाँ से निकलती है?
तो इसका सही जवाब जो है रतनपुर, इसमें कॉमन है, ए और सी में से इसका जवाब हो सकता है। तो जैसे ही ऑफिशियल की आएगी तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है दिवली फार्म जो है, फिश ब्रीडिंग फार्म है, ये कहाँ पर है, मछली प्रजनन जो है ये दिवली फार्म स्थित है हिमाचल प्रदेश की कौन सी खड पर है। तो इसका सही जवाब है अली खड बी पर, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है कौन सा स्थान द पीच वैली ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है, पीच वैली ऑफ हिमाचल के नाम से जो स्थान जाना जाता है इसका राइट आंसर है डी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो अर्की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बिलासपुर का जो सरयू मेला है वो कहां पर लगता है, तो इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये जैसे ही आंसर की आएगी तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है जो बाबू बालको रेल म्यूजियम है ये कहाँ पर है, ये शिमला में है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में जो भूंडा उत्सव है ये संबंधित है, ये यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, ये परशुराम से संबंधित है। नेक्स्ट आता है जो रानी खैरागढ़ी है ये स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई थी, तो ये हुई थी लखनऊ में। इसके बाद आता है 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो 104 जो है इसका राइट आंसर है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। नेक्स्ट इसके बाद आता है किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो बैरागी में, बंदा बैरागी में से करवाया था, तो ये कराया था बिलासपुर के राजा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है जो कांगड़ा राज्य है उसका उल्लेख करने वाला जो प्रथम इतिहासकार है वो कौन था, वो पाणिनि था, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें इसका जो उल्लेख है वो इसमें मिलता है। खीर गंगा गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहाँ पर है, ये कुल्लू में है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो ये पूरी जो ये सवाल है इनके मुझे मैक्सिमम के आंसर नहीं मिले हैं, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला, तो जो दूसरा है वो है बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 1986 है ये किसका उदाहरण है, 109 इसका राइट आंसर है संरक्षित श्रम विधायन। तो इसके बाद जो सवाल आता है इसके बाद सवाल है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन निश्चित न्यूनतम जो वेतन है डैश में से कम करके बार पुनश्चित किया गया था, तो इसका सही जवाब जो है सी है, ये 5 वर्ष है। इसके बाद जो सवाल है इनके आंसर मुझे नहीं मिले हैं, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सवाल है वो है सवाल 116, 116 का सही जवाब डी है, 116 का राइट आंसर डी है। इसके बाद जो 117 है इसका ए एनामर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डी इसका राइट आंसर है कोमोडियस। तो नेक्स्ट जो इसके बाद सवाल है इसका एबंडेंस राइट आंसर है। इसके बाद 120 जो है इसका रिवील इसका राइट आंसर है। 121 की बात करूं तो 121 जो है लिमिटेड इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले सवाल की बात करूं तो अगले सवाल जो है इसका प्लंग्ड बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो अगला सवाल है इसका जवाब है ट्यूम्यूल्टस, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर है। 124 की बात करूं तो 124 का आंसर ओवर इट सॉरी ओवर ऑन डी इसका राइट आंसर है। अगला अगर हिंदी की बात करें तो सबसे पहला है कंकाल और कंगाल इस शब्द का अर्थ क्या है, तो ए इसका राइट आंसर है ठठरी और निर्धन। यथाविधि का समास अगर इसकी बात करूं तो अव्ययी भाव, तो ये समास अव्ययी भाव इसमें समास है। आड़े हाथों लेना, तो इसका जो सही आंसर है वो इन दोनों में से एक हो सकता है, तो ये जब आंसर की आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कूल में जो उपसर्ग है वो प्रतिकूल है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो शुद्ध शब्द है वो इसके बाद शुद्ध शब्द जो है 129 की बात करूं तो जो सुंदर है उसका प्रत्यय है ये इसका राइट आंसर है सौंदर्य। इसके बाद आता है शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द जो है बी यहाँ पर आंसर है दुर्व्यवस्था। अगर बात करें गृहस्थ का विपरीतार्थक, तो गृहस्थ का विपरीतार्थक होता है सन्यासी। इसके बाद अगर प्रत्युत्तर की संधि की बात करें तो प्रत्युत्तर की जो संधि है वो बी इसकी संधि होती है प्रत्युत्तर इस तरह से। नेक्स्ट बात करें 133वें सवाल की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज, तो इसे ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो विभिन्नता में एकता ये है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो ऋग्वेद काल में जो लोग इंद्र का आह्वान करते थे तो ये करते थे भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है इसके निम्न में से कौन सा बुद्ध का समकालीन था, तो बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त टू को। इसके बाद बात करें तो उदयगिरी जो है, उदयगिरी कहाँ है, उदयगिरी है उड़ीसा में, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करूं तो हर्ष ने निम्न में से
हर्ष ने निम्न सभी लिखी है सिवाय कौन सी, जो कदम्बरी है ये हर्ष ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 139वां जो सवाल है वो है, कौन सा चोल शासक जो था जिसे मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था, तो मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था परांतक वन को। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा शहर जो है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया है, तो इसमें जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद जो है वो फिरोज तुगलक ने बनाए, जिसमें कि फिरोजपुर जो है डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, भारत में गुलामों के निर्यात पर किसने रोक लगाई थी, तो 141 जो है उसका सही जवाब है, 141 का राइट आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है, हमजानामा किस पर एक कृति है, हमजानामा जो है किस पर एक कृति है, तो ये सही जवाब इसका है बी, पेंटिंग। इसके बाद आता है, हिंदुओं पर लगाए गए कर को शिवाजी ने जिस कर का शिवाजी ने विरोध किया है किया था वो विरोध था जजिया कर, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है 145, इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था, तो ये बंदा बहादुर ने किया था। इसके बाद अगर बात करें किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को भारत में दीवानी अधिकार जो है वो नहीं मिले थे, तो ये नहीं मिले थे दक्षिण में, साउथ में जो डेक्कन में थे वो सबसे पहले यहां पर नहीं मिले थे। नेक्स्ट अगर बात करूं सवाल 147 की, तो किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था, तो ये आया था लॉर्ड वेलेज़ली ने, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है देवबंद आंदोलन, किस देवबंद आंदोलन जो है वो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो पुनर्जागरणवादी इसमें ये आता है। नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था, 149 जो है इसका सही जवाब है 106, 1906 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करूं 1918 की, जो अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल है उसकी अगुवाई किसने की थी, तो अहमदाबाद का जो लेबर जो स्ट्राइक हुआ था उनका श्रमिकों का जो स्ट्राइक हुआ था उसका एम के गांधी इसका राइट आंसर है। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो 151 जो है इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, डी इसका राइट आंसर है। 152 की बात करूं तो क्रिस्प मिशन से संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से जो निर्मित चट्टाने हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सैंडस्टोन, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो इसका सही जवाब है प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट अगर बात करूं सवाल 155 की, तो 155 है, जो वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो इसका सही जवाब है आर्गन, ए। इसके बाद आता है, वातावरणीय दाब को मापने के लिए, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट आता है, समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब है 157 का सही जवाब है सी, जो एडवेक्शन फॉग है इसका सही जवाब है अभिवहन कोहरा। तो इसके बाद अगर बात करूं तो उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर स्थित निम्न में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ है, तो इसका सही जवाब है 158 का राइट आंसर है यूरोप, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल लें 159, तो इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है विपरीत स्थिति में होते हैं, तो 159 का जो सही जवाब है वो है फुल मून, पूर्णिमा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, 160 इसका राइट आंसर है फूड वेब, फूड वेब खाद्य जाल जो है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है, तो 161 जो है इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा विश्व का संघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है, तो 162 जो है उसका सही जवाब है ईस्ट यूरोप, डी इसका राइट आंसर है पूर्व एशिया।
सॉरी ईस्ट एशिया, पूर्व एशिया जो है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 163 जो है इसमें आता है आपका वान गोलू झील जो है ये कहां पर है, जो वान गोलू लेक है ये है टर्की में। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सा भारतीय बौद्धिक जो भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड है की अवशेष मानी जाती है, तो ये मानी जाती है दक्षिण का पठार जो डेक्कन प्लेटू है वो इसका माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, माउंट अबू अ स्मॉल हिल ब्लॉक इज सेपरेटेड बाय अरावली। माउंट अबू जो है ये एक छोटी पहाड़ी है, इस खंड को निम्न में द्वारा अरावली पर्वत से पृथक किया जाता है। अब देखिए जो मालवा पठार है वो इस रीजन में पड़ता है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ती है, जो बनास घाटी है बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की जो कि राजस्थान से निकलकर मिलती है चंबल में। इसके बाद गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर सेम चोटी पर पड़ता है जहां पर माउंट आबू पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है, या तो इसका राइट आंसर बनास हो सकता है या मालवा पठार। जैसे ही इसका आंसर आता है तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ऊपरी गोदावरी घाटी के ऊपर से स्थित जो पर्वतमाला है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अजंता पर्वतमाला। सी इसका राइट आंसर है। 167 की बात करूं तो ब्राह्मणी नदी के ऊपर जो है विस्तार से, ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में किस नाम से जानी जाती है, तो 167 जो है इसका सही जवाब है साउथ कोयल, दक्षिण कोयल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद बात करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है, तो इसमें प्रथम ऋतु जो है वो वसंत पहली ऋतु है भारतीय परंपराओं के अनुसार। उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून लौटना प्रारंभ कब होता है, तो इसका सही जवाब है मध्य सितंबर से सितंबर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, लाल मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, तो लाल मिट्टी में जो कमी होती है वो होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, लाइम की, ये सभी डी इसका राइट आंसर है। सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की आंसर की, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, जो अगर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपको इसके जो आंसर जो हमारे गलत थे उनके बारे में बताऊंगा, और जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाया उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट गाइज, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें।